गया जावेद बमबास, टाइमर बम, गन पाउडर का जखीरा बरामद, ऑन डिमांड टाइम बम की करता था सप्लाई, नेपाल से आतंकी कनेक्शन आया सामने, खुफिया एजेंसियां कर रही है पड़ताल। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो गुनहगार में। मैं हूं आपके साथ जुहेब नसीम। आपने टाइम बम के बारे में कभी सुना भी होगा और कभी देखा भी होगा, तो आज हम ऐसी वारदात आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको अंदर से झकझोर देगी। दरअसल मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले UPSTF और IB की टीम ने टाइम बम के साथ जावेद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। उसका संबंध नेपाल से बताया जा रहा है, हालांकि उसका जन्म भी नेपाल में हुआ था। दरअसल इससे पहले भी जावेद 100 से ज्यादा बम बना चुका है। UPSTF की टीम ने शातिर जावेद को यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से गिरफ्तार किया है। वहीं उससे पूछताछ करने पर उसके बारे में कई खुलासे हुए हैं। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि एक महिला के कहने पर जावेद ने बोतल टाइम बम बनाए थे। दरअसल UPSTF की टीम ने जावेद और एक महिला को हिरासत में लिया है। महिला की शिनाख्त इमराना के तौर पर हुई है। इमराना वही महिला है जिसके कहने पर जावेद ने टाइम बम बनाकर तैयार किए थे। हालांकि उसे ही बम बनाने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके कब्जे में 4 टाइमर बोतल बम जब्त किए गए हैं। UPSTF की टीम लगातार जावेद से पूछताछ कर रही है। उसके पास से 4 बोतल बम IED, बोतल के अंदर गन पाउडर 999, लोहे की छोटी गोलियां, कॉटन और POP मिला है। जावेद ने टीम के सामने खुलासा किया है कि उसने ये बोतल बम इमराना पत्नी आजाद निवासी बंती खेरा गांव थाना बाबरी जनपद शामली के कहने पर बनाए थे। इमराना नाम की वो महिला हाल फिलहाल मुजफ्फरनगर थाना कोतवाली नगर इलाके में काली नदी पुलिया के पास प्रेमपुरी में रहती है। UPSTF की टीम को छानबीन के दौरान पता चला कि बम बनाने के लिए उसने ग्लूकोज की बोतलें डॉक्टर से ली थी, जबकि लोहे की गोलियां वो साइकिल की एक दुकान से लेकर आया था। टाइम बम लगाने के लिए उसने घड़ी का मशीन एक घड़ियों की दुकान से ली थी। जावेद के मुताबिक इमराना नाम की उस महिला ने उसे बोतल बम तैयार करने के लिए 10,000 रुपये पहले दिए थे और बाकी 40,000 रुपये बम मिल जाने पर देने का वादा किया था। इस दौरान ये भी पता चला कि जावेद ने बम बनाने का काम अपने चाचा मोहम्मद अर्शी पुत्र खलील से सीखा था। अर्शी मुजफ्फरनगर के मी मलाना रोड पर मौजूद रामलीला टीला थाना कोतवाली नगर इलाके में रहते हैं। दरअसल वो पटाखे बनाने का काम करते हैं। चाचा के बेटे के घर पर रहकर जावेद ने बारूद और बोतल बम बनाने का काम सीखा था। हालांकि कुछ जानकारी उसने YouTube और इंटरनेट के जरिए हासिल की थी। इन टाइमर बोतल का बम का इस्तेमाल कहां होना था, इसके बारे में इमराना ही जानती थी। जावेद ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसकी मां का नाम नीतू है, जो नेपाल में लाजिम पाट खरसानी ताल काठमांडू की रहने वाली है। उसके पिता नेपाल घूमने गए थे, वहीं पर उसकी जान पहचान हुई और उन्होंने वहीं पर शादी कर ली। ये 2 भाई और 1 बहन है जिनका जन्म नेपाल में ही हुआ था। उसकी बहन की शादी नेपाल में ही हुई है। उसका भाई अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहकर MCR शॉपिंग स्टोर पर काम करता है। उसकी नर्सरी से कक्षा 7 तक की पढ़ाई नेपाल में ही हुई। इसके बाद वो अपने दादा के साथ मुजफ्फरनगर आ गया था। आपको बता दें कि STF के ASP ब्रिजेश सिंह ने बताया कि जांच के दौरान ये सामने आया है कि इमराना ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे और 2020 में CA के विरोध में हुए बवाल में उसने अपने लोगों को 100 से ज्यादा बम दिए थे। उन बमों को बनाने में जावेद की कोई भूमिका है कि नहीं, पुलिस तलाश में जुटी है। जावेद को बम बनाने के लिए और ऑर्डर भी आए थे। हालांकि इतना ही नहीं, वह हिंसा और दंगों के लिए भी बम तैयार कर रहा था। तो अभी आपने देखा कि हमारे देश में जुर्म कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप हो जाइए सावधान, कहीं ये जुर्म आपके साथ भी ना हो जाए। फिलहाल के लिए अब हमें दीजिए इजाजत, हम फिर जुर्म की सच्ची घटना हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें एन भारत।